सबसे पहले बात करेंगे उस तारीख की जो है डिसाइसिव दिन, यानी तारीख है 4 जून 2024। भारत की सियासत की वो तारीख है जिस दिन एक साथ बहुत कुछ तय होगा। ये वो तारीख है जिस दिन चुनावी नतीजों के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश की सबसे ताकतवर पार्टी के भविष्य का लाइव टेलीकास्ट होगा। सही सुन रहे हैं आप, लाइव टेलीकास्ट, क्योंकि 543 सीटों का नतीजा ही तय करेगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। जनता के मन में क्या है ये तो अभी किसी को नहीं पता, लेकिन नतीजों के बाद तीन ही हालात बनेंगे। पहला, बीजेपी अपने आप को और मजबूती के साथ एस्टैब्लिश करेगी। दूसरा, 10 साल के बाद कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में आ जाएगी। और तीसरा, बीजेपी को सत्ता से बाहर कर कांग्रेस सत्ता में वापसी करने वाली है। बहरहाल नतीजे जो भी हों, सभी दलों ने बेहतर करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 19 अप्रैल से जनता वोट तो अपने इलाके के सांसद को चुनने के लिए डालेगी, लेकिन 7 चरण में होने वाले इस चुनाव के जरिए देश को अगले 5 साल के लिए अपना प्रधानमंत्री, अपनी सरकार मिलेगी, जैसा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में होता है। लेकिन इस बार का चुनाव एक मायने में बेहद खास है, और शायद ऐसा पहली बार हो रहा हो कि सत्ताधारी दल ने 10 साल के शासन के बाद भी 400 का टफ टारगेट खुद के लिए सेट कर दिया है, और प्रधानमंत्री मोदी ने इस टारगेट को पूरा करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। एक के बाद एक राज्यों का तूफानी दौरा, चुनाव प्रचार, जनसभा, रैलियों के पारंपरिक तरीके के अलावा पीएम मोदी पिछले चुनाव की तरह ही डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी को 78 मिनट का इंटरव्यू दिया। 9 पीएम स्पेशल में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के 78 मिनट के इंटरव्यू को आइए डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पीएम मोदी ने अपने 10 साल के कामकाज का जिक्र किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने, या फिर ये कहे कि बीजेपी के, उन वायदों को गिनाया जो 10 साल में पूरे किए गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की एक खासियत है, पीएम मोदी इस बार के चुनाव में जहां जहां जा रहे हैं केवल विपक्ष पर हमला नहीं कर रहे, बल्कि अपने 10 साल के कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रख दे रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी इसके जरिए उन वोटर्स को अपने तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सरकार पर विश्वास और जनाधार के बदले सरकार से रिटर्न में क्या मांगती है, काम, विकास मांगती है। भारत की एक बड़ी आबादी यूथ की है, युवाओं की है, और युवा वोटर अब जात पात से ऊपर उठकर देश और राष्ट्र हित में वोट करता है। पीएम मोदी इस बात को भली भांति समझते हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि कैसे इस बार बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में न केवल भविष्य को लेकर योजनाओं के दावे किए, बल्कि उन वादों का भी जिक्र किया जो कि पिछले 10 साल में, यानी कि उनके 10 साल के शासनकाल में किए गए वायदों को पूरा किया है। बीजेपी इस बार प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के नारे पर चुनाव लड़ रही है, और पीएम ने अपनी गारंटी का जिक्र करते हुए लोगों में उस पैदा किए गए भरोसे को बरकरार रखने की कोशिश की है। अब आप ये समझिए कि 2024 चुनाव में इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 2024 में करीब 64 करोड़ वोटर युवा हैं, और नए भारत का युवा रिजल्ट ओरिएंटेड है, अकाउंटेबिलिटी की बात करता है। प्रधानमंत्री मोदी अपने इस एटीट्यूड के जरिए इसी यूथ वर्ग को साधने की कोशिश करते दिखे। अब इसका प्रभाव, यानी कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, उसको डीकोड करते हैं, और इसके लिए 2019 की तुलना करूंगी मैं। 2019 की तुलना में बीजेपी के वोट प्रतिशत में अच्छा खासा इजाफा इसके जरिए देखने को मिल सकता है। बीजेपी शुरुआत का मॉडल, और एक बीजेपी सरकार का मॉडल, उनका 5-6 दशक का काम, मैं उनके लिए बहुत खुला मैदान छोड़ता हूं, 5-6 दशक का काम, और मेरा सिर्फ 10 साल का काम। कंपैरिजन कीजिए, किसी भी क्षेत्र में कंपैरिजन कीजिए, अगर कुछ कमियां होगी तो भी हमारी एफर्ट्स में कमी नहीं रही होगी। दूसरा, मुझे 10 साल में 2 साल तो कोविड की लड़ाई में जाना पड़ा,
और आफ्टर इफेक्ट भी बहुत था, फिर भी आज हम कंपैरेटिवली देश को स्पीड कहो, स्केल कहो, सर्वांगीण विकास की बात करें तो वो कहें, सर्वसमावेशक विकास की बात कहें तो वो देखें, हर पैरामीटर पे आपको कांग्रेस के मॉडल से एक ऐसा मॉडल नजर आ रहा है कि हाँ इस रास्ते पर हम चलेंगे इतनी गति से, और गति और बढ़ानी है मुझे अगले टर्म में, गति भी बढ़ानी है और स्केल भी बढ़ाना है, तो वो तो मेरा लक्ष्य ही है। बीजेपी शुरुआत से ही अग्रेसिव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है, और बीजेपी के शुरुआती दौर की लीडरशिप हो या बीजेपी का मौजूदा नेतृत्व, बीजेपी का फोकस हमेशा से उन एजेंडेज पर रहा है जिसके तेवर तीखे हों और बीजेपी को इसका फायदा भी मिला। अगर आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की भी तुलना देखेंगे और करेंगे कि कैसे बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी फैक्ट्स के साथ ऑपोजिशन पर अटैक करते हुए नजर आई है, पीएम मोदी के आज के इंटरव्यू में इसकी भी छाप साफ नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस, राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के गरीबी खत्म करने वाले स्टेटमेंट का जिक्र करते हुए राहुल गांधी की पॉलिटिकल कैपेबिलिटी पर तंज कसा है और इसी के जरिए कांग्रेस के 60 साल के शासनकाल पर भी सवाल खड़े कर दिए। इसके अलावा पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। भ्रष्टाचार की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए देश से ब्लैक मनी को खत्म करने की एक कोशिश की गई थी। प्रधानमंत्री ने खुद काला धन को चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बताया और इसके खिलाफ एक्शन की गारंटी दी है। अब आप ये भी समझिए कि इसके जरिए पीएम का टारगेट क्या था। दरअसल कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों का अब भी देश के कुछ हिस्सों में, या फिर कहें कि कुछ सीटों पर उनकी पकड़ है, और कांग्रेस लगातार राहुल गांधी को ही आगे कर यानी कि फेस ऑफ कांग्रेस रखकर चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी पर सवाल खड़ा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी उस 28% वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश करते नजर आए। साल 2019 का चुनाव, यूपीए के खाते में जो सीटें आई थी उसको प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन करने की कोशिश में नजर आए। अब इसका 2024 चुनाव पर इंपैक्ट आप समझिए। दरअसल बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांग्रेस, राहुल और विपक्ष को घेरने में लगे। अगर ऐसा होता है तो बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल जैसे राज्य जहां पर कांग्रेस और विपक्षी दल एक्टिव हैं, वहां पर बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल सकती है। सिवत उनकी है कि वो एक सांचे में देश को डालना चाहते हैं। हम तो विविधता की पूजा करते हैं, हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं, और मैं हमको के हर एक को कहता हूँ, जैसे हमने कहा कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मातृभाषा में क्यों नहीं बन सकता है। जब मैं मातृभाषा में डॉक्टर इंजीनियर बनने की बात करता हूँ, मतलब कि मैं मातृभाषा को सेलिब्रेट कर रहा हूँ, उसका महात्मा ही बढ़ा रहा हूँ। मुझे ये अभी ये गेमिंग वाले सब बच्चों के साथ बैठा था तो उनमें से किसी ने पूछा हमारे लिए कोई संदेश, तो ऐसे मैंने कहा एक काम करो, अब जब भी आप हस्ताक्षर कहीं करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, अपनी मातृभाषा में सिग्नेचर करो, इतना तो गर्व करो। अब मैं तो विविधता को लाने की कोशिश कर रहा हूं, अब उनको आरोप लगाने हैं क्या करेंगे। राम मंदिर, हिंदुत्व और सनातन, ये तीन वो मुद्दे हैं जिनकी सीढ़ी पर चढ़कर बीजेपी 203 सीटों वाली पार्टी बनी। 90 के दौर में जब बीजेपी ने देश में राम मंदिर का मुद्दा उठाया तो पूरे देश तक इसकी तपिश पहुंची। वक्त लगा लेकिन बीजेपी न केवल राम रथ पर सवार होकर सत्ता के शिखर तक जा पहुंची, बल्कि दूसरा शासनकाल खत्म होते होते करोड़ों सनातन वासियों का सपना भी पूरा कर दिया। 78 मिनट के अपने साक्षात्कार में पीएम मोदी ने सनातन और राम मंदिर को लेकर जब उनसे सवाल पूछे गए तो पीएम मोदी ने राम मंदिर को विपक्ष का राजनीतिक हथियार बताते हुए उन्हें टारगेट किया। आपको याद होगा कि विपक्षी दलों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जब बड़ा कार्यक्रम था उसका विरोध किया था, और यहां तक कि उसके आमंत्रण मिलने के बाद भी वहां पर पहुंचे नहीं थे।
पीएम ने यह बताने की कोशिश की कि कैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर विपक्ष ने सनातन के साथ साथ गरीबों का भी अपमान किया। इसके पीछे प्रधानमंत्री ने तर्क यह दिया कि एक तो राम मंदिर 500 साल के संघर्ष का नतीजा था और दूसरा इसके निर्माण में गरीबों की पाई पाई लगी थी। अब जरा इस मुद्दे के जरिए प्रधानमंत्री मोदी का टारगेट समझिए। दरअसल आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का अनुष्ठान किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने साउथ इंडिया के अलग अलग मंदिरों का दौरा भी किया था। वो तस्वीरें आपको याद होंगी जब प्रधानमंत्री साउथ इंडिया पहुंचे, दक्षिण के द्वार पहुंचे और स्नान करते हुए नजर आए, पूजा पाठ करते हुए नजर आए। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने लिए जो टारगेट दिया है, सेट किया है, उसके लिए साउथ की 132 सीटों पर बेहतर परफॉर्म करना मस्ट कंडीशन है और इन 132 सीटों में 39 सीटें तमिलनाडु से आती हैं। अन्नामलाई और उनका चेहरा, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की बदौलत बीजेपी को यहां पर अच्छे नतीजे की उम्मीद है। पीएम मोदी ने इंटरव्यू के दौरान राम मंदिर के मुद्दे को साउथ के साथ, दक्षिण के साथ जोड़ा। पीएम ने यह बताया कि तमिलनाडु में राम नाम के सबसे अधिक मंदिर हैं। इस एजेंडे के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के टारगेट पर न केवल हिंदू वोटर्स नजर आए बल्कि प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के जरिए साउथ में सत्ता के दरवाजे को खोलने की कोशिश में भी लग गए। राम मंदिर और सनातन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्षी दलों के नेता कई बार घिर जाते हैं और यही वजह है कि बीजेपी विपक्षी दलों को लगातार सनातन विरोधी बताने में लगी हुई है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी न केवल इस चुनाव में तमिलनाडु के जरिए साउथ में अच्छे नतीजे ला सकती है बल्कि विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस को कमजोर कर 132 सीटों पर मजबूत पकड़ बना सकती है। लेकिन इसमें चेरी ऑन द टॉप ये बात रही कि एक तरफ बीजेपी विपक्ष को सनातन विरोधी बताती है तो दूसरी तरफ खुद कांग्रेस छोड़कर आए बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस को सनातन विरोधी का टैग दे दिया है। निमंत्रण मिले और आप उसको ठुकरा दें, सचमुच में तो आपको गर्व होना चाहिए कि ये राम मंदिर निर्माण करने वाले जो भी लोग हैं जिन्होंने संघर्ष भी किया है वे आपके सारे पाप भूल करके, सारे आपके गुनाह भूल करके घर में आकर के आपको इनवाइट कर रहे हैं और नए से व्यवहार शुरू करना चाहते हैं। आप उसको भी उस पुराने मिजाज से ठुकरा दें तब लगता है कि आपके लिए वोट बैंक एक बहुत बड़ी आपकी मजबूरी है और उस वोट बैंक के चलते इस प्रकार की चीजें होती रहती। बीते 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी की जो ग्लोबल इमेज बनी है उसका फायदा बीजेपी को न केवल इस चुनाव बल्कि आने वाले भविष्य में भी मिलेगा। दरअसल अगर आप 90 का दौर याद कीजिएगा तो बीजेपी में ज्यादातर नेता ऐसे थे जो कि ग्राउंड से जुड़े हुए थे। बीजेपी पर इस बात का आरोप लगता रहा कि घरेलू मामले में तो ठीक है लेकिन जब विदेश नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसी की बात आती है तो बीजेपी फिसड्डी साबित हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 10 साल में इस नैरेटिव को पूरी तरीके से खंडित करके रख दिया है। आज प्रधानमंत्री से जब G20 और फॉरेन पॉलिसी को लेकर बात हुई तो पीएम मोदी ने न केवल भारत को एक ताकतवर देश के रूप में प्रोजेक्ट किया बल्कि लोगों तक दुनिया में बने हुए भारत के ह्यूमैनिटेरियन इमेज को पहुंचाने की कोशिश भी उनके जरिए की गई। पीएम मोदी ने यह बताया कि कैसे जब कोविड काल था तो भारत ने पूरी दुनिया की मदद की। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल का उदाहरण देकर नेबर फर्स्ट पॉलिसी का जिक्र किया। पीएम ने G20 के आयोजन पर भी जवाब दिया और इसके साथ ही इसके इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही पर्सपेक्टिव को भी समझाया। अब आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी का इसके जरिए टारगेट क्या था। दरअसल इसके जरिए पीएम मोदी उन युवाओं तक पहुंचना चाहते हैं जो कि भारत की ताकत को ही अपनी ताकत मानते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं। पीएम मोदी और बीजेपी लगातार देश की फॉरेन पॉलिसी के जरिए राष्ट्रवाद की उस भावना को भी हवा देती है या उसको मजबूत करती है जिसका फायदा शुरुआत से ही बीजेपी को मिलता आया है। अब बात 2024 चुनाव पर इसके इंपैक्ट ही करते हैं। एक तो राष्ट्रवाद एक ऐसा मुद्दा है जो चुनाव में जब चल जाता है
तो बीजेपी की हवा पक्की हो जाती है, बीजेपी की बड़ी जीत हो जाती है। और इसका उदाहरण आप बीते चुनावों में देख लीजिए। दूसरा ये कि इसका युवा वोटर के जरिए और बेहतर तरीके से जोड़ने का प्रयास होता है, साथ ही एक मजबूत फॉरेन डिप्लोमेसी से वोटर का विश्वास नेशनल पार्टी पर बनता है, बढ़ता है, जिसका नतीजा ये कि जो रीजनल पार्टीज हैं उस पर वोटर्स का भरोसा कम होगा। हम लोगों ने ये जो IMEC की दिशा में हम गए हैं, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है और आने वाले हजारों साल उसका इम्पैक्ट, जैसा सिल्क रूट का इम्पैक्ट हजारों साल रहा, वैसा ही इसको इम्पैक्ट रहने वाला है। और उसमें मैं सबको विश्वास हुआ कि भाई हाँ ये तरीका है, उसमें गल्फ कंट्रीज का भी पॉजिटिव और प्रोएक्टिव रोल था, भारत ने एक अच्छी भूमिका निभाने का भारत को अवसर मिला, US यूरोप हमारे साथ थे और सबको लगा कि एक कॉन्क्रीट पॉजिटिव आउटकम निकलेगा, तो हम उसको लेकर के मिलते थे। तो उसमें स्वाभाविक था कि सऊदी किंग और प्रेसिडेंट बाइडेन और दोनों के साथ मेरी अच्छी मित्रता है, तो मैं किसी का भी हाथ भी पकड़ सकता हूँ, किसी की बात भी कर सकता हूँ। आज की बीजेपी, या फिर ये कहें कि मोदी और अमित शाह की बीजेपी, भविष्य को लेकर काफी सजग रहती है, एक्टिव रहती है। बीजेपी का जो वर्किंग स्टाइल है उसकी छाप बीजेपी की सरकार में भी साफ नजर आती है, जैसे कि अमित शाह और JP नड्डा, या फिर ये कहें कि बीजेपी का हर एक सियासी मूव भविष्य को ध्यान में रखकर लिया जाता है। ठीक वैसे ही मोदी सरकार का कामकाज करने के तरीके में भी भविष्य का, यानी कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होती है। पिछले 10 साल में बीजेपी सरकार के बड़े फैसलों की अगर आप टाइमिंग देखेंगे तो इसे आप अच्छे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। खैर, अब बात बीजेपी के उस विजन की करते हैं जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। जी हां, भारत एट 2047। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का तकरीबन हर एक बड़ा नेता अपने संबोधन में इसी रोड मैप का जिक्र जरूर करता है, यानी कि भारत 2047 में कैसा होगा। आज के इंटरव्यू में भी प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्य के भारत का रोड मैप और उसकी एक तस्वीर का जिक्र किया। PM मोदी ने बताया कि कैसे उनके तीसरे टर्म के 100 दिन का प्लान तैयार हो चुका है, वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए देश में बड़ा बदलाव करने की प्लानिंग है इस क्रांतिकारी फैसले के जरिए। इस विजन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी उन फर्स्ट टाइम वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश करते हुए नजर आए जो कि 2047 में सरकार की योजना के सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। अब जरा PM के इस विजन का इंपैक्ट भी आप समझिए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी इसके जरिए फर्स्ट टाइम वोटर्स को टारगेट करते हुए 400 पार का आंकड़ा पार करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ यह इंपैक्ट नहीं है, इसका इंपैक्ट इससे भी ज्यादा बड़ा है। इम्पैक्ट ये है कि प्रधानमंत्री हर एक मंच से कहते हैं कि भारत एक डेवलपिंग नेशन ना होके एक डेवलप्ड नेशन बने, और ऐसे में अगर भारत को एक डेवलप्ड नेशन के तौर पर बनाने का रोड मैप प्रधानमंत्री सामने रखते हैं तो इससे देश की साख देश के अंदर और साथ साथ ग्लोबली भी प्रधानमंत्री मजबूत करते हैं। कि मैं पिछले 2 साल से 2047 को ध्यान में रखकर काम करता हूं और उसके लिए मैंने देश भर में लोगों के ओपिनियन मांगे, सुझाव मांगे, शायद 15 लाख से अधिक लोगों के मैंने सुझाव दिए हैं कि वो आने वाले 25 साल में हिंदुस्तान को कैसे देखना चाहते हैं। और मैंने सभी यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट किया, मैंने अलग अलग NGO को कांटेक्ट किया, संगठनों को, और 15-20 लाख लोग उन्होंने इनपुट दिया। फिर मैंने AI की मदद लेकर के उसको सब्जेक्ट वाइज बनाया, उसका काफी मैंने टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया। ओके, मैंने हर विभाग में अफसरों की एक डेडिकेटेड टीम बनाई कि भाई इस पर काम कीजिए, कैसे हो सकता है अगले टर्म के लिए, 25 साल के लिए। अच्छा, और फिर मैंने खुद ने उनके साथ बैठा, प्रेजेंटेशन लिए 2-2.5 घंटे और मेरा विजन के अनुरूप क्या चीजें हैं, कौन सी चीजें डुएबल हैं, कौन सी चीजें डुएबल नहीं, थोड़ा सा ट्रेलर बता सकते हैं उसको। मैं ऐसा है कि आचार संहिता चल रही है। अच्छा, मैं अभी अगर इन चीजों को बताऊंगा तो शायद कोई उसको गलत अर्थ में ले लेगा।
तो प्रधानमंत्री मोदी यूं ही 400 पार की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कही गई बातें और वोटर्स पर उनका इम्पैक्ट और 2024 के चुनावों पर इसका नतीजा कैसे देखने को मिलेगा, वो हमने प्रधानमंत्री मोदी के इस इंटरव्यू के साथ डीकोड करने की कोशिश की है।